रहीम अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ उमैर सबासी बैक हियर विद ए न्यू वीडियो। तो आज की जो वीडियो है यहाँ पर मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ Xiaomi एंड Redmi के एक न्यू फ़ोन के बारे में। इसका नाम है Redmi Note 9, जो अभी रिसेंटली 10 सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट हुआ है और यहाँ पर इसकी स्पेसिफिकेशन बहुत सारी रिवील्ड हुई है। ठीक है, अब इसके ऊपर इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूँगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूँ कि इसकी जो प्राइस है वो अराउंड अबाउट 30 to 34 या 35K होने वाली, यानी 30 से 35 हज़ार रुपये के दरमियान ये फ़ोन जो है एक्चुअल में होने वाला है। सो यार, वीडियो में अगर बढ़ से पहले बता दूँगा कि चैनल पर हो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो, इस तरह से टेक से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर रोज़ अपलोड होती रहती है। सो विदाउट फर्दर डू लेट स्टार्ट दिस वीडियो। सो यार, यहाँ पर सबसे पहले इसकी स्पेसिफिकेशंस का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलता है वो है 6.43 इंचेस का एक IPS डिस्प्ले। ठीक है, अब ये IPS डिस्प्ले है, इसकी जो रेजोल्यूशन है वो ठीक है। यहाँ पर फुल HD प्लस का आपको रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपको जो फ्रंट डिस्प्ले है वहाँ पर साइड पे करके आपको जो है वो पंच होल का कटआउट देखने को मिल जाता है। और पंच होल की कटआउट के अंदर आपको जो कैमरा देखने को मिल जाता है वो एक 13 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर, उस हिसाब से 13 मेगापिक्सल ठीक है। यहाँ पर अगर हम इस फ़ोन का कुछ पीछे का लुक लें तो यहाँ पे हम मुझे लगता है यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट बैक आने वाली है। अब यहाँ पर वेबसाइट पे चेक कर रहा था, वो लोग जो ये बात कह रहे थे कि शायद पॉलीकार्बोनेट हो या ग्लास बॉडी हो, तो मुझे लगता है पॉलीकार्बोनेट ही होगी बिकॉज इस रेंज में मैंने ग्लास बॉडी बहुत ही कम फोन में देखी है। तो आपको पॉलीकार्बोनेट बैक यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बैक पर कुछ कैमरास की बात कर लें, यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। क्वाड कैमरा सेटअप के अंदर आपको 4 कैमरा जो है, पहला मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का, उसका 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, तीसरा 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। तो ये इन टोटल 4 कैमरास हो जाते हैं। यहाँ पर इसको बैक डिज़ाइन मैंने देखा है वो कलर था, ब्लू कुछ कलर था एंड ब्लू एंड ब्लैक के पैटर्न्स बैक पर बन रहे थे, विच इज़ ए गुड साइन फॉर दिस फ़ोन। और ये काफ़ी अच्छे फ़ोन है। इसके कुछ इंटरनल्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पे इसके में इंटरनल्स लगाए गए हैं। अब जो वेबसाइट पहले क्लेम कर रहे थे और जो मैंने वहाँ IP10 सर्टिफिकेशन पे भी देखा, वो लोग ये क्लेम कर रहे थे कि इसके अंदर 3 वेरिएंट्स को लॉन्च किए जाने वाले, मतलब 3 वेरिएंट्स, 4 3 4 6, यानी कि 3 32 4 64 और 6 128। तो ये 3 वेरिएंट्स इस फ़ोन में आ सकते हैं। जो प्रोसेसर डाला गया है वो है MediaTek का Helio G80। अब मुझे ज़्यादा कंटेंट नहीं मिला था इस फ़ोन के ऊपर, तो ये मैं नहीं बता सकता कि ये प्रोसेसर कैसा है क्योंकि मैंने इसकी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं देखी। और दो, अगर ये प्रोसेसर है, फ़ोन 35,000 तक है प्रोसेसर है, तो ये प्रोसेसर अच्छा हो सकता है। अब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि मैंने इस फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है उसे नहीं देखा, तो मैं ज़्यादा आपको नहीं बता सकता इसका प्रोसेसर कैसा है। बट ऑल दो अगर इसे Xiaomi यूज़ करे, सो आई थिंक दैट इट कैन बी ए गुड प्रोसेसर इन टर्म्स। तो यहाँ पर इसमें जो प्रोसेसर वो भी ठीक लगाया गया। अब बैटरी कैपेसिटी की बात कर ली जाए तो यहाँ पर कुछ बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, वो अराउंड लाइक अप्रॉक्सीमेटली 5000 mAh की। अब ये पूरी 5000 नहीं है, जो मैंने देखी है कुछ 5940 कुछ करीब है, तो अराउंड बोर्ड आपको 5000 mAh की बैटरी ही देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे बैटरी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा आपको, तो मैं इस हिसाब से खुश हूँ, बैटरी भी ठीक है इस फ़ोन के अंदर। अब यहाँ फिंगरप्रिंट जो है वो मैंने इस बैक के फ़ोन के पीछे देखा है, फिंगरप्रिंट भी पीछे है। और प्रोसेसर वगैरह भी बात हो गई, स्पेसिफिकेशन जितनी भी थी वो मैंने सारी आपको डिटेल में क्लियर कर दी। अब इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं, तो ये कुछ 35,000 तक आ सकता है राउंड अबाउट। अब ये भी एक एक्सपेक्टेड प्राइस है और एक्सपेक्टेड प्राइस का ये होता है कि ऊपर नीचे हो सकती है, बट एक्सपेक्टेड प्राइस 35K तक हो सकती है, लेकिन इससे ऊपर जाने का मुझे इम्कान नज़र नहीं आ रहे। अब इस फ़ोन के कुछ ओपिनियंस की मैं बात कर लूँगी, कब लॉन्च डेट है और मेरे क्या ओपिनियंस है। तो लॉन्च डेट नहीं पता, मतलब मैंने जो वेबसाइट पे जिसके ऊपर इस फ़ोन को देखा है उधर लॉन्च डेट नहीं लिखी थी, बट मेरे हिसाब से अगर ये फ़ोन पाकिस्तान में आता है तो ये फ़ोन आएगा राउंड अबाउट, क्योंकि अप्रैल की तो आज बिल्कुल एंड होने लगा है अप्रैल। सो मेरे हिसाब से मई में लॉन्च हो जाना चाहिए अगर लॉकडाउन की सिचुएशन कुछ सेटल हो जाती है, तो मेरे हिसाब से ये फ़ोन मई में लॉन्च हो जाएगा। अब मेरे कुछ ओपिनियंस की बात की जाए तो ये फ़ोन मुझे पर्सनली अच्छा लग रहा है 35K के अंदर। आप अब मैं कोई यहाँ बात बता रहा हूँ दोस्तों, वो ये है कि ऑनर हो गया, Xiaomi हो गया और जितने भी और कंपनीज हैं वो मिड रेंज के बजट सेगमेंट को काफ़ी अच्छी तरीके से कवर करती हैं एज़ कम्पेयर टू Samsung, जिसकी बहुत अच्छी
पोजीशन है, लेकिन वो मिड रेंज में काम नहीं करती। मिड रेंज कितने फोन है सैमसंग A31 में, प्रोसेसर भी कुछ इतना खास का नहीं लगा हुआ, बस कैमरा वगैरह ठीक है और भी चीज़ें ठीक है, लेकिन उस फोन का इंतजार लोग कर रहे हैं। तो ये फ़ोन उससे बेटर हो सकता है, ये मैं कह सकता हूँ 35K के अंदर मुझे ये फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा। सो यार आप मुझे नीचे कॉमेंट में बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको लगता है मेरी वीडियो में कुछ कमियाँ रही हैं तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो यार आपको चाहिए क्या वीडियो लाइक करो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं ऐसा इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि लाइक करने में आपका टाइम नहीं लगता, लेकिन अगले बंदे की हो जाती है मोटिवेशन। अगला बंदा बहुत अच्छा फील करता है अगर आपको उसकी वीडियो लाइक कर देते हो, और अगर डिसलाइक भी कर देते हो तो उसका रीज़न ज़रूर मेंशन करना कमेंट बॉक्स में, कहने वीडियो डिसलाइक क्यों किया। और अगर शेयर कर सकते हो तो और प्लेटफॉर्म्स पे शेयर भी कर दो। और वीडियो में इतना ही था, मुझे दे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।